करे चुपके चुपके प्लान बदल जाता। घर तो बच गए लेकिन आज की टेंशन कम नहीं हुई। केवन गाने वाले बहुत पास आ रहे लेकिन मम्मा डैडा वो दोनों ही राजा बनने से बहुत दूर है। वो दोनों ही राजा है, वो दोनों वो मामा बन जाए सुखड़ू उस मामा वाली दिमाग जा। मामा डैडा को आज पूरे दिन क्रिकेट प्रैक्टिस करवाएंगे। हेलो, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते तो तुम्हारा प्ले कौन देखेगा? सब देखेंगे, हमारा प्ले बेस्ट होगा। लगता है हमारा के मॉम डैड नहीं ये दोनों लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी तो एक साथ एक ही चीज बोलने लगे हैं। फिर लाइन तो लग पूछ। हाँ जी हाँ जी, हम दोनों के आपस में जो भी खींचतानी हो वो हमारे आपस की बात है, लेकिन बात जब आपको चूरन चटाने की आएगी हम साथ ही होंगे। तो बस रेडी हो जा डॉन, तुझे फिर से हारना होगा और तुम्हें रोना भी होगा। हारने के लिए तुम दोनों रेडी हो जाओ, क्योंकि आज मेरे डैड ने सोसाइटी का हॉल बुक किया है ताकि वो फुल एंड परफेक्ट प्रैक्टिस कर सके। वही आके देख लेना हमारा कि तू और तेरी फैमिली कितनी बुरी तरीके से हारने वाली है। लूजर्स, अब मेरे लूजर्स का मतलब पता है, हम लूजर्स नहीं है, हम हारे हुए नहीं है। तुम लोग मेरे फादर को नहीं जानते और तुम हमारे फादर को नहीं जानते हो। आई मीन मेरे डैडा और मेरे सब कुछ। तो यहाँ क्यों लेके आई है मेरे को? क्या लवली ने मना कर दिया घर पे आने से? सिकंदर ने मना कर दिया घर पे प्रैक्टिस। ना जी ना, किसी ने किसी को मना नहीं किया। हम दोनों ने डिसाइड किया कि आप दोनों घर में इधर उधर की बातों में गुम जाते हो, इसीलिए हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, और अभी हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। आप दोनों को ये सीन करना है। ये तो अमायरा का पुराना वॉकी टॉकी है, पर कुल्फी तो कभी उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाती। जब ये यहां है तो इसका जोड़ा कहां है? हेलो, आर यू रेडी? एक मिनट, हमारा ये कहां से कौन सा सीन है? कब की कब आ गया स्क्रिप्ट के अंदर? ये तो आपने जो स्क्रिप्ट दी थी उसमें तो था ही नहीं। केड़ा सीन है मायरा? ये भी दिस इज योर हैंडराइटिंग, ये आपने लिखा है? ये उसकी हैंडराइटिंग है। ये कहाँ से आया? मॉम वो मैं हाँ जी प्रिंसिपल मैम बोलती गई और अम्मी जी लिखती गई। मैंने तो इतना सारा लिखना भी आता भी नहीं है ना। Yes, और प्रिंसिपल मैम ने ये भी कहा था अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आए तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो। मैं प्रिंसिपल मैम को कॉल कर देती हूँ। हाँ, इट्स ओके, मत करो, वी विल डू इट, हम कर लेंगे जो भी है। बताओ सिचुएशन क्या है? ही रांझा की बहुत बड़ी फाइट हो गई और ये ठीक उसके बाद का ही सीन है, तो वो दोनों एक दूसरे को मना रहे। जी ने कहा था लड़ाई के बाद मनाने से प्यार और भी बढ़ता है, तो इस सीन में आप दोनों को एक दूसरे को सॉरी बोलना है और ये कहना है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए अब कभी नहीं लड़ोगे। कॉटेज मॉम, कॉटेज डैडा,
यार जुनेजा देखो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दो। हाँ हाँ नहीं ठीक है जुनेजा, होल्ड करो एक मिनट। हेलो हेलो कौन है? तो टोनी अंकल जी की आवाज है। ये आवाज ही नहीं आ रही है जुनेजा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर एक उनके घर पे है और एक कुल्फी के पास तो कुल्फी टेबल के नीचे छुपकर किससे बात कर रही है पुत्र? जाने को तजी को ढूंढ रही थी। क्या कुल्फी अमायरा से बात कर रही थी? ये कुल्फी कहते गई है? कुल्फी कह रही थी उनके नाटक की तैयारी नीचे हॉल में करनी है, सिक्के को लेकर गई है, अम्मू और लवली भी आने वाले हैं। नीचे क्यों, घर में क्या दिक्कत थी? बच्चों को लगा होगा कि नीचे जगह ज्यादा है तो वो तैयारी घर में करें या नीचे करें उससे की फर्क पैंदा है? फर्क पैंदा है जी, मैंने लगता है जो लवली है ना ये जरूर कोई नया खेल खेल रही है। बच्चों के नाटक में लवली कहाँ से आ गई गुंजन? कुल्फी कभी झूठ नहीं बोलती है, लेकिन कल रात उसने मुझसे झूठ बोला। और ये जो दोनों बच्चे हैं ना, वे भी कई दिनों से ना कुछ बदले नजर आ रहे हैं, और ऐसा अपने आप नहीं होता। जरूर ये देवरानी जी ना इन्हें कोई नई चाल सूझी होगी। रब दे वास्ते बस कर गुंजन, बस कर, हो गया अभी। और ये शक का कीड़ा है ना घर बर्बाद कर देता है। और इस नाटक से अगर सिक्का और लवली बात कर रहे हैं, अमायरा और कुल्फी बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो खुश होना चाहिए ना गुंजन। कोई भी बहाना हो, बस सबके दिल मिल जाने चाहिए। जिनके दिल मिलने होते हैं ना बेबे, उन्हें किसी बहाने की जरूरत नहीं होती है। मैं लवली को ना इस घर की खुशियों पर और ग्रहण लगाने नहीं दूंगी। लवली इस घर का हिस्सा है गुंजन, और अगर सिक्के का घर फिर से बस रहा है तो बसने देना, तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात तेरे? ठीक है जी, आप मत मानो मेरी बात, पर मैं तो सच पता करके ही रहूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूं, चाहे रब रूठ जाए। तुम अगर मुझसे रूठ के गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। रूठे तो तुम भी हो। पर गया तो नहीं, लेकिन तुम मुझसे रूठ के चली गई। मैंने मुंह मोड़ा था तो मुझे आवाज देकर रोक लेते, तब भी नहीं रुकती तो हाथ पकड़कर खींच लेते अपने पास।